एक ये तो सामाजिक फिल्म है, एक लव स्टोरी फिल्म है जो आज से जो लड़कियों को बचाने की बातें होती है, और इसमें बहुत सारी रोमांटिक भी कहानी है। इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगी ये कहानी भी स्क्रिप्ट में। हमने ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा ये फिल्म बनानी चाहिए, और हमने इसमें बहुत मेहनत की हुई और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। एक समाज को भी दिखाएंगे कि ये फिल्म जो जा रही है एक रूट जा रही है समाज की तरफ। जी ज़रूरी है, हम तो चाहेंगे हमारी जहाँ तक कोशिश हो 110% होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो समझेंगे, 75 तो लोग समझेंगे, लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिश होगी एक मैसेज सरकार को भी मैसेज होगी या और समाज के लोगों को भी मैसेज होगी, ये अच्छी मैसेज होगी। तो कलाकारों को चयन किया आपने? चयन हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं किन लोगों को लूँ, और अभी तक बातचीत हमारी चल रही है। तो किसी नए कलाकार के बारे में बताएं, कोई नया कलाकार? देखिए जो भी मैं अभी कलाकार को लूँगा, जैसे राजपाल यादव जी और राजेश श्रीवास्तव जी, और इनसे बातें हो रही है, अगर हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों को आगाह जरूर करूँगा। देखिए गाने का जहाँ तक सवाल है, गाना ऐसे सिचुएशन के साथ बहुत अच्छा गाना बना है, और हमारे राइटर साहब ने बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं, और मैं उनके लिरिक्स के ऊपर मैंने कोशिश किया कि लिरिक्स का अच्छी तरह से इंसाफ हो, तो उसी हिसाब से मैंने उनको बनाया। अभी अभी आप थोड़ी देर में सुन लेंगे उसको कैसा कैसे बना। और इस गाने के लिए मोहम्मद इरफान का चयन किया है, कुछ खास वजह? मुझे मोहम्मद इरफान की आवाज़ अच्छा लगा, और इस गाने के लिए मुझे लगता है कि मोहम्मद इरफान बिल्कुल फिट है, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि इरफान को ही बुलाना चाहिए। और दूसरी बात, इस टाइम मार्केट के जो दौर चल रहा है उसी हिसाब से भी सही है, तो ये सब सोच के फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने भी, उनको भी अच्छा लगा उनकी वॉइस, उसी हिसाब से मैंने उनको चाहा। कितने गाने होंगे इस फिल्म में? इस फिल्म में 4 या 5 के गाने हो सकते हैं, जहाँ तक रिक्वायरमेंट है गाने जो डायरेक्टर साहब बता सकते हैं। ये 25 जनवरी से हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, और झारखंड में शूट करेंगे, रांची और टाटानगर में, ये 2 जगह हम शूट करेंगे झारखंड में। ये लोकेशन क्यों चुना है, मतलब बिहार की बात है तो झारखंड को आपने चुना है? झारखंड में क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी भी है, और सरकार भी सब्सिडी दे रही है, और वहाँ के लोकेशन वेरी गुड। जिस तरह से इरफान जी गाना का मैंने लिरिक्स लिखा हुआ है सनी असलम जी ने, वो आवाज़ सुनने के बाद मुझे दिल छू गया, मुझे लगा ऐसा कि इरफान जी इसमें बैठेंगे, और मैंने उनकी चॉइस की। अभी गाना बन रहे हैं, वो गाने जब बन जाएंगे फिर उसी हिसाब से हम सोचेंगे कि किनको कौन बेटर गा सकते हैं, फिर उसी हिसाब से हम चयन करेंगे सिंगर होगा। और इस फिल्म को कहाँ फिर देखिए, हम तो हमारी जहाँ तक कोशिश है प्रमोट करने की, हम पहले पिक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उनके बाद हमारी बहुत कोशिश रहेगी प्रमोट करने की, कोशिश एक है संघर्ष, लेकिन संघर्ष इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो इसे बताएं, राजपाल और राजू श्रीवास्तव से भी बात हुई इस फिल्म को लेकर? अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास है कांटेक्ट, उनसे बात करने वाले हैं। तो ये दोनों कलाकार तो इनका किरदार कुछ और है। देखिए ये फिल्म है, फिल्म में तो आते लोग आ जाते रहते, चेंजिंग होते रहते, लेकिन बातचीत हो रही, अगर जम जाती है तो हम 110% करेंगे। ये एक लव स्टोरी फिल्म है, और गर्ल्स को बचाना ये भी दिखाना मुझे। तो आप ऐसे मतलब ऐसे इंसान के तौर पर क्या समझते हैं कि ये जो समस्या है इसे क्या समाधान चाहिए? देखिए हम जब तक हम कलाकार होते हैं, हम कलाकार को जब तक पर्दे में सही से नहीं उतारेंगे, वो पब्लिक को मैसेज कैसे जाएगी? जब मैसेज जाएगी तो इंसानों जैसे कोई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और फिल्म देखकर उनको समझ में आता हाँ भाई ये सही होना चाहिए, कुछ लोगों का ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे चल के जो भी फिल्म बनाएंगे तो किस तरह का सामाजिक मुद्दा होगा? क्योंकि सामाजिक मुद्दे पर फिल्म काफ़ी बन रही है और काफ़ी हिट भी हो रही है। जी जी, क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर फिल्म बनाना चाहेंगे? देखिए जी बिल्कुल, मैं बनाऊँगा इस फिल्म कम्प्लीट होने के बाद, नेक्स्ट फिल्म है मेरी तो मैं उनमें तैयारी कर रहा हूँ, और वो भी हो सके मार्च में जाएगी वो फिल्म। थैंक यू।